क्यों? आज यहाँ के राजा को दारा के दर पर आना पड़ा? दारा, मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। हो भी नहीं सकती, क्योंकि हम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हम बुरे बनकर आतंक फैलाते हैं और तुम लोग सफेद कपड़े पहनकर आतंक फैलाते हो, भोले भाले लड़कों को आतंकवादी बनाते हो। मुझे शाखा का सर चाहिए दारा, वरना वो तुम्हें मार देगा। मिल जाएगा, मिल जाएगा। शाखा की तलाश जारी है। और दूसरा, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। वो भी मिल जाएगी, लेकिन राजा साहब, हर चीज की एक कीमत होती है। कीमत बोलो। बड़ी धाक है आपके इस इलाके में। आप यहाँ के राजा जो ठहरे, और फिर ऊपर से मन काम की बात करो, काम की बात। हमारे चार आदमी आपकी मिलिट्री ने पकड़ रखे हैं। थोड़ा वक्त दो, उनको भी छुड़वा देंगे। और फिर हमें बॉर्डर पार भी करवाना होगा। अकेले तो मैं बहुत आसानी से पार कर सकता हूं, लेकिन मेरे साथ मेरी पूरी पलटन होगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मिलिट्री वाले उनकी लाशें बिछा दें और मैं अकेला उस पार पहुंचूं। ठीक है, तुम्हारा ये काम भी मैं करवा दूंगा। बहुत खूब। शाखा का सर तो तुम्हें यही पेश कर दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारी बेटी वो हमें बॉर्डर पार करवाने के बाद ही तुम्हें मिलेगी। ठीक है। देखो गुल, देखो, नेता और आतंकवादी हाथ मिला रहे हैं। इस देश में सब मिले हुए हैं, इसीलिए ना तो कभी यहां आतंकवाद खत्म हो सकता है और ना ही कभी इस देश का भला हो सकता है।